कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो छोटे छोटे काम के लिए भी बैंक पहुंच जाते हैं SBI की, और SBI ने आपको सुविधा दे रखी है कि आप लोग योनो SBI का इस्तेमाल करके बहुत स्मार्ट बन सकते हो। भाई मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप के ज़रिए क्या क्या आप कर सकते हो घर बैठे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैंक में। बैंक आपको तभी जाना है जब बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है। तो हाउ टू यूज़ ऑन योनो SBI एप्लीकेशन, तो कैसे आप SBI एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इस ऐप पर आप क्या क्या कर पाओगे, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना, जो अदर एप्लीकेशन पर आप नहीं कर पाओगे। तो चलो सीख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करना भाई बनता है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार। मैं आपके लिए बेस्ट बेस्ट वीडियो ना आगे भी लाऊंगा मनीष एडवाइस यूट्यूब चैनल पर, तो चलो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है भाई। सिंपल आपको इस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए। देखो अगर आपने इस ऐप पर अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी है, बट कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जाके आप एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर सकते हो योनो SBI की ऐप पर, ठीक है। तो इस पर मैं कर लेता हूँ क्लिक, और पहले इसको हम लॉगिन करेंगे। मैंने इस पर रजिस्टर पहले से कर लिया है, तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से इस ऐप पर यूज़र ID और पासवर्ड डाल के आप भी इस तरीके से लॉगिन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो ऊपर लिखा सर्च बना अकाउंट, डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट, देखो इतने सारे फीचर दिए गए हैं फीचर इसमें कि मैं आपको बताता हूँ आप क्या क्या कर पाओगे, ठीक है। तो देखो भाई पहले हम अकाउंट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारे इस पर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अब बैलेंस पर ही हम जब क्लिक करते हैं इस तरीके से तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करने इस तरीके से तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि आपके लास्ट ट्रांजैक्शन क्या थे, किसको पैसे भेजे, कहाँ से आया, सब देख पाओगे, कितना टाइमिंग क्या था, सब लिखा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक बटन बना है एरो, इस पर क्लिक कर दोगे तो PDF पर आपका जो स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शन है नहीं, वो आपका हो जाएगा डाउनलोड, जिससे अपना आप लोग अपना नाम और बर्थ यूज़ करके पासवर्ड पर आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने इसका वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं बैक करते इस तरीके से, यह हम फिर से होम पे आते हैं तो ये आपका अकाउंट का तो हो गया। अब यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो कंपनी आपको जो पैसा डिपॉजिट करने का जो तरीका है ये बताता है कि डिपॉजिट कैलकुलेटर, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि पैसा अगर आपको डिपॉजिट करना है तो कितना कितना आपको रिटर्न मिलेगा, कितना पैसा आप खर्च करोगे यहाँ पर तो कितना आपको मिल सकता है। यहाँ पर देखो FD है, सिटीजन यस है, नो है, इंडिया सिटीजन है यस है, यहाँ पर टर्नओवर है, कितना मंथ के लिए कर रहा हो, कितना पैसा अमाउंट, सब आप कर सकते हो यहाँ से इस ऐप से, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लोन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो लोन पर आप ये देख सकते हो कि ये जो SBI है होम लोन देती है, कार लोन देती है, पर्सनल लोन भी देती है, गोल्ड लोन देती है, एजुकेशनल लोन, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लोन भी देती है। अगर आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड के लिए लोन ले लेते हैं और पैसा कहीं लगा देंगे किसी फंड पर तो वो भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे पर्सनल पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करोगे तो एक मिनट, ये हाँ हमने क्लिक कर दिया पर्सनल लोन, तो पर्सनल पर हम यहाँ पर देखो आ चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखता है कि एलिजिबिलिटी, यानी कि यह बताता है कि आपको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपको ये पूछने नहीं जाना बैंक की, भाई हमको बैंक जाएंगे पूछेंगे कि क्या क्या करना पड़ेगा पर्सनल लोन के लिए, तो आप पूछोगे फिर बाद में। इस ऐप के जरिए ही आप यहाँ पर सब पढ़ सकते हो कि एलिजिबल क्या है और डॉक्यूमेंट पर क्या लगना है, यहाँ पर यह भी दिखता है, और हर लोन के बारे में आप ऐसे ही पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने लोन के बारे में देख लिया। इंश्योरेंस आप करा सकते हो इस ऐप से, इंश्योरेंस देख सकते हो कि आपको कौन सा इंश्योरेंस कराना है, कौन सी पॉलिसी कराना है, सब कुछ आप यहां पर देख पाओगे, ठीक है। आप फिर से हम होम पर आते हैं इस तरीके से, यहां पर कार्ड में क्लिक करोगे इस तरीके से तो यहां पर डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबल है कि नहीं वो देख सकते हो, क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, SBI प्रीपेड कार्ड कैसे मिलेगा, ये भी आप देख पाओगे आसान तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है यूनो पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है पूरी ऐप में, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन दो मिलेंगे, ऊपर लिखा है क्यूक ट्रांसफ़र और लिखा है बैंक ट्रांसफ़र। देखो बैंक ट्रांसफ़र क्यूक ट्रांसफ़र दोनों समझा दूंगा, तो पहले क्यूक पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि आपका थोड़ी देर के लिए आपका फ़ोन पे गूगल पे का सर्वर डाउन चल रहा है
और आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हो, बट आपका पैसा आपके बैंक पर SBI पर पड़ा हुआ है और उस पैसे को आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ काम नहीं कर रहा, तो इस ऐप पर आके आप उसका अदर बैंक पे क्लिक करके इस तरीके से क्विक ट्रांसफ़र पे उसका नाम, अकाउंट नंबर डालना, उसके इन्फॉर्मेशन लेके और सेंड कर देना यहाँ पर अमाउंट, तो आप पैसा इस ऐप से 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये आसान तरीके से भेज पाओगे। 1 रुपये भी भेज सकते हो आप लोग, ठीक है ना, तो यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो आसान तरीके से आप लोग। ये है बैंक, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो बैंक ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। यहाँ पर लिखा सर्च बेनिफिट, इस पर अगर नाम सर्च करके जिसके भी करना चाहते हो, अगर आपका लिंक है किसी के में अकाउंट इस पर, तो उसके लिए भी ट्रांसफ़र कर सकते हो बैंक पर पैसा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बिल पेमेंट कर सकते हो, SBI क्लिक कर, NPS कंट्रीब्यूशन देख सकते हो, डोनेट कर सकते हो, सब कुछ दिया गया है। UPI भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं होम पर, तो यहाँ से क्विक ट्रांसफ़र आपको मिल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखो योनो कैश लिखा है ये वाला, योनो कैश पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो किस किस चीज़ में क्या कर सकते हो। ATM पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो अमाउंट डालोगे और यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हो कि ATM पर आप कितना पैसा आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो एक दिन में, उसकी भी लिमिट होती है, डिलीवरी चैनल लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से योनो कैश पे क्लिक करेंगे दोबारा, मर्चेंट है, कैश कस्टमर सर्विस है, कार्डलेस शॉपिंग है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जब शॉपिंग करोगे अमाउंट पर कितनी की शॉपिंग करना आप पहले डिसाइड कर दो, उसका आपको रिवार्ड कैश आपको मिलेगा एक्स्ट्रा योनो की तरफ से अगर आप शॉपिंग करते हो तो। यहाँ पर देखो शॉप ऑर्डर लिखा है ना, इसी पर जाके आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पर जिस भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग करोगे योनो की तरफ से करोगे, देखो यहाँ पर दिया है बॉट कंपनी का खरीदोगे, जिस भी खरीदोगे यहाँ पर वी ऑल पर क्लिक कर दोगे इस तरीके से, आई एग्री पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जितनी भी कंपनी यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की है, चाहे JBL हो, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, यहाँ पर शॉपिंग करोगे आपको कॉइन्स मिलेंगे और उन कॉइन्स को कन्वर्ट आपको योनो कैश मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो। अब आते हैं फिर से होम पर, ठीक है। होम पर आने के बाद देखो यहाँ पर लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया, बिल, मंथली मोबाइल चार्ज, ट्रेन टिकट भी आप चाहो तो बुक करा सकते हो इस ऐप के जरिए। इस पर क्लिक करो ट्रेन टिकट पर, फ्रॉम कहाँ से कहाँ जाना है, किस डिब्बे जाना है, किस क्लास पर जाना है, किस कोटा पर जाना है, सर्च करना ट्रेन को, फिल करना है इन्फॉर्मेशन, अमाउंट पे कर देना, आपका जो फॉर्म होगा, जो रिसीव होगा डॉक्यूमेंट, वो आपके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर पर आ जाएगा, उसे दिखा के आप ट्रेन पर सफ़र कर सकते हो, ट्रेन टिकट बुक इस ऐप से कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं और नीचे इस तरीके से, तो ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब देखो यहाँ पर लिखा है सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना, ये इंपॉर्टेंट है, सेटिंग लिखा है, पेंडिंग लिखा है, व्यू मोड लिखा है, तो सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो अगर आपको लगता है कि आप अपना MPI पिन भूल गए हैं, आप अपना इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड भूल चुके हैं, प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं, मैनेज ट्रांजैक्शन पॉइंट्स भूल चुके हैं, मैनेज ट्रांजैक्शन लिमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड डाल के आप ये देख सकते हो, आप अपना ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हो कि आप कितना ट्रांजैक्शन इस ऐप से करना चाहते हो। लैंग्वेज पे क्लिक करोगे, अगर आपको हिंदी करना है इस ऐप को तो हिंदी में देख सकते हो, ठीक है ना, ये देख यहाँ पर ये सब कर पाओगे। और बैक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखो हलोन लिखा है, चेक भी लिखा है, माई पर्सन लिखा है, गवर्नमेंट स्कीम में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इस ऐप पर योनो पर हमारे लिए क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, अटल पेंशन योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा चल रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा चल रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना चल रहा है, तो आप इन सब में भी पैसा लगा सकते हो, ये स्कीम में भागीदारी ले सकते हो, ठीक है। पेंशन चेकबुक पर क्लिक करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हैं कि आप चेकबुक अगर आपके पास नहीं है, हरा चुकी है, तो रिक्वेस्ट चेकबुक में क्लिक करोगे तो आप चेकबुक यहाँ से बुक कर सकते हो, आपके घर पर चेकबुक इंस्टेंटली आपके पोस्ट ऑफिस से आपके घर पहुंच जाएगा चेकबुक, ठीक है ना। ये सब कोई नहीं बताएगा, इस ऐप से आप ये सब कर पाओगे। अकाउंट पे क्लिक करना, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो लिखा है सेंड मैनेज कार्ड चेंज होम ब्रांच, आप चाहो तो अपनी ब्रांच को, अगर आपकी ब्रांच जहाँ भी है जिस सिटी पे है, आप चाहो तो किसी दूसरे ब्रांच पर हमें चेंज कराना है अपना अकाउंट, तो यहाँ पर आप जाके कर सकते हो। बस इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप बैंक विजिट कीजिए, थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो लिखा है कि पेंडिंग रिक्वेस्ट, इसमें खाली होगा, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये भी हमने देख लिया, ठीक है ना। और देखते हैं क्या है इसके बाद, इस पर जाएंगे दोबारा से, व्यू और पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पर देखो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह भी यहाँ से अपडेट कर सकते हो, ठीक है। आपका पैन कार्ड कौन सा लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो दिख जाएगा आपका,
वो भी आप देख पाओगे, ठीक है ना। तो ये सब आप कर सकते हो योनो SBI एप्लीकेशन के ज़रिए। यहाँ पर क्लिक करोगे मेनू बार में, एक मिनट थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो लिखा है लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, योनो पे, कार्ड्स, मोबाइलिटी सर्विस ऑफर, SBI। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं जिसको आप एक एक करके सब चेक कर सकते हो, ठीक है ना। सो दोस्तों, अगर आपको कोई और समस्या होती इस ऐप के ज़रिए तो इस पर आप कॉल कर सकते हो इनके कस्टमर केयर में। कॉल का ऑप्शन मैं आप बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे होता है, होम पे क्लिक करेंगे, ये बटन दिया है देखो ऊपर कॉल का, इस पर क्लिक करोगे एक फ़ोन नंबर आपके सामने आएगा, इन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इस ऐप के ज़रिए। कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, इस ये ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो इस ऐप को इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है योनो SBI एप्लीकेशन को। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।